नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत मुर्गे का चारा यानी पोल्ट्री फीड प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। दुनिया भर में कुक्कुट पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय में मुर्गी का चारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुक्कुट पालन में किसानों को एक निश्चित समय के भीतर मुर्गियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए योग्य और अच्छे चारे की आवश्यकता होती है। यह चारा मुर्गियां तथा बतख और अन्य घरेलू पक्षियों के लिए स्वास्थ्यपूर्ण भोजन है। मुर्गी पालन में बॉयलर मुर्गी की उम्र के अनुसार 14 दिन शुरुआती पूर्व चारा, 15 दिन से 28 दिन शुरुआती चारा और 29 दिनों के बाद आखिरी चारा दिया जाता है। और यह वे तीन उत्पाद है जिनका इस व्यवसाय में निर्माण किया जाना चाहिए। अब अगर बात की जाए बाजार परिदृश्य की, तो कुक्कुट पालन का व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वार्षिक वृद्धि 15% है। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए यह निश्चित है कि इस व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है। मुर्गी के चारे का उत्पादन करने के लिए आपको मक्का, बाजरा, सोयाबीन, बासी चावल की भूसी, सूखे चावल की भूसी और सरसों का तेल आदि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस चारे में थ्रोनिन, लाइसिन, मेथियोनिन, जीवन सत्व और खनिज जैसे योजक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया: मुर्गियों का चारा बनाने के लिए पहले कच्चा माल जैसे मक्का, सोयाबीन आदि का लैब में परीक्षण किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कच्चे माल का वजन किया जाता है। इस सामग्री को चक्की के माध्यम से पारित किया जाता है, जहां इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और ये एक पाउडर में रूपांतरित होता है। यह पाउडर फिर मिक्सर में पहुँचाया जाता है। अच्छे स्तर पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोया तेल जैसे वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। मिश्रित पाउडर बॉयलर स्टीम के माध्यम से पकाया जाता है। कंप्यूटर इसकी सभी विशेषताओं को संग्रहित करता है और कमांड देकर इसे बॉयलर से प्लेट मिल में स्थानांतरित किया जाता है। यह भोजन भाप के माध्यम से पकाया जाता है। पके हुए भोजन को आकार देने के लिए प्लेट मिल का उपयोग किया जाता है और इसे गोली का रूप दिया जाता है। फिर इन गोलियों को क्लम्बर यंत्र की मदद से अपेक्षित लंबाई में काटा जाता है और अंतिम उत्पाद तैयार होने के बाद पैकेजिंग मशीन यानी के अर्धस्वचालित माल भरने की मशीन और अर्धस्वचालित बोरिया सिलने की मशीन के माध्यम से पैक किया जाता है। मुर्गियों के चारे से भरे इन बोरियों को आवश्यक वजन सुनिश्चित करने के लिए तौला जाता है, जिसके बाद वे बिक्री के लिए संग्रहित किए जाते हैं। क्षेत्र: मुर्गियों के चारे का व्यवसाय शुरू करने के लिए 40,000 से 60,000 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इसमें कच्चा माल, कार्यालय और संग्रहण कक्ष के लिए भी जगह लगती है। यंत्र और उपकरण: मुर्गियों का चारा निर्माण के व्यवसाय में हैमर मिल, पलेट मिल, बॉयलर, क्रम्बलर, कन्वेयर, काउंटर फ्लो कूलर, स्क्रैम्बलर मशीन, स्वचालित बोरिया सिलने का मशीन आदि की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्षमता: उत्पादन क्षमता की बात करें तो एक घंटे के भीतर 50 से 60 लोग अगर काम करें तो 15 टन खाद्य प्रसंस्करण किया जा सकता है। एक दिन के कार्य की उत्पादन क्षमता 200 से 215 टन प्रतिदिन है। इस व्यवसाय के लिए आपको व्यवसाय पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस, उद्योग पंजीकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC, ISI मार्ग प्रमाणीकरण और ट्रेडमार्क पंजीकरण आदि कागज पत्रों की आवश्यकता होगी। अब तक हमने मुर्गे का चारा बनाने के आधुनिक प्रसंस्करण वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। PMFME योजना के दिशा निर्देशों के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।